मानाइन बेइज्जती इंसल्ट नेगेटिविटी समटाइम इस तरह की चीज़ें तरक्की का बायस बनती है और समटाइम इस तरह की चीज़ें तनजली का बायस बनती है, यानी या तो ये ले डूबती हैं या ये ऊपर ले जाती हैं। किन लोगों को ये ऊपर लेके जाती हैं और किन लोगों को डोब देती हैं ये मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आपका बॉस आपको नेगेटिव पॉइंट्स देता है, आपकी बेइज्जती करता है, कुछ ऐसा कहता है जिससे आपको इंसल्ट फील होती है, तो आप बस ख़त्म हो जाएंगे, आपकी डिमोशन शुरू हो जाएगी, आपका जो मोरल है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसको दूसरी साइड पे देखें कि अगर आपके बॉस की बेइज्जती होती है, कोई उसकी इंसल्ट करता है या स्टाफ उसकी इंसल्ट करता है, तो क्या वो डिमोट होगा, उसका मोरल कम होगा, उसकी क्रिएटिविटी कम होगी? नहीं, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, उसकी हार्ड वर्किंग बढ़ जाएगी, उसकी लर्न करने की स्किल्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो ऊपर बैठा है, उसको पता है कि मैं जिस जगह पर पहुंच चुका हूं अभी मैंने इससे और ऊपर जाना, फिर और ऊपर जाना, तो उसके आगे बहुत सारी तरक्की की मंजिलें पड़ी हैं और वो उसको रियलाइज़ कर रहा है, देख रहा है, उसका विजन ज़्यादा है और वो उस नेगेटिविटी को, उस बेइज्जती को, इंसल्ट को या जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बेशक स्टाफ की तरफ से आए, नीचे से या ऊपर से आए, वो उनको फेस करता है और उनको संजीदगी से लेकर उसमें कुछ लर्निंग हासिल करने की कोशिश करता है, मतलब उन चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करता है, उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जितने भी लोअर कैडर के लोग होते हैं, नीचे वाला स्टाफ होता है या बॉस से नीचे जो लोग होते हैं, जब उनके ऊपर ये मुसीबत आती है, उनको इंसल्ट फील होती है या नेगेटिविटी बॉस की तरफ से उनको मिलती है, तो वो एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट डेड हो जाती है और वो बिल्कुल ऐसे नडाल और पजमर्दा होकर बैठे रहते हैं या छुट्टी लेके घर चले जाते हैं और कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि जो भी हमें नेगेटिव फीलिंग्स आई हैं, जो भी बेइज्जती वाली फीलिंग्स आई हैं, तो क्या हमने उसको रिमूव करना है, हमने उसके अगेंस्ट कुछ लर्न करना है, स्किल बढ़ानी है। तो जितने भी लोअर स्टाफ में लोग होते हैं वो हमेशा जब नेगेटिव फीडबैक आता है ऊपर से तो वो उस पर डिसार्ट हो जाते हैं और उनकी क्रिएटिविटी डेड हो जाती है। लेकिन जितने भी ऊपर वाले लोग होते हैं, जब बॉस को नेगेटिविटी या नेगेटिव फीडबैक मिलता है, बेशक वो नीचे वाले स्टाफ से मिले या ऊपर वाले से मिले, तो वो हमेशा अपनी जो बुर्दबारी है, संजीदगी है, उसको बरकरार रखते हुए और अपने लिए एक डिसीजन करता है कि नहीं, मुझे इसमें अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ाना चाहिए, अपनी स्किल्स को और बढ़ाना चाहिए, अपने लर्निंग को और बढ़ाना चाहिए और मुझे आगे जाना है। तो हर बंदे को इस बेस के ऊपर कि जिस तरह से उसका बॉस बिहेव करता है उसको लर्न करना चाहिए और किसी भी नेगेटिव फीडबैक के अगेंस्ट डिसार्ड नहीं होना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म नहीं करना चाहिए, अपने मोरल को बुलंद रखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते रहना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि जितने भी ऊपर वाले लोग होते हैं उनको भी नेगेटिव फीडबैक आ रहा होता है, लेकिन वो आपकी तरह डिसार्ड नहीं होते, वो अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म नहीं करते, अपनी हार्ड वर्किंग को ख़त्म नहीं करते। लेकिन जितने भी नीचे वाले लोग होते हैं वो फौरन ही नेगेटिव फीडबैक के ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं और डिसहार्ड होकर या छुट्टी करके चले जाते हैं या जॉब छोड़ के चले जाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे उन्हीं का नुकसान होता है। तो नेगेटिव फीडबैक को कभी भी अपने लिए नुकसान दें ना बनने दें, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा बढ़ाते रहें, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें, लर्निंग को बढ़ाते रहें। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।